जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। मुरैना शहर के पिछड़े क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना पर पुलिस के द्वारा निरंतर की जा रही चेकिंग, उसी समय सर्चिंग के दौरान एक लग्जरी वाहन में 1,00,000 रुपए की अवैध शराब पकड़ी। यह मामला थाना स्टेशन रोड की है और वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से युवक भागने लगा। पुलिस ने उस युवक का पीछा कर उसे पकड़ लिया और उस गाड़ी की चेकिंग के दौरान उसमें 25 पेटी शराब पकड़ी जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद रंग की आई-20 कार आ रही है जिसमें काफी मात्रा में शराब है और जिसकी सूचना पर से सारी फोर्स के साथ में हम लोग वहाँ दबिश के लिए पहुंचे और एक आई-20 का और अवैध रूप से शराब थाने के द्वारा जब्त की गई। क्या पता चल पा रहा है कितनी कीमत है इसकी? आई-20 कार और शराब की कीमत लगभग 8-9 लाख के करीब है। मुरैना से तुलसीदत्त शर्मा की रिपोर्ट।